नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 8वें व अंतिम दिन की शुरुआत हुई, जिसमें श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणन तीर्थ महाराज ने भक्तों को कहा कि कोई भी निर्णय सोच समझकर समझदारी से करना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने आगे कहा कि भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता, बस भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। कथा के अंतिम दिन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद चौधरी संतोख सिंह की धर्मपत्नी करमजीत कौर चौधरी, श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, प्राचीन त्रिवेणी मंदिर टांडा रोड के प्रधान राजेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद जसलीन कौर सेठी, पूर्व पार्षद अंजलि भगत, पूर्व पार्षद पति रवि सैनी, एक नूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर ने शामिल होकर आशीर्वाद लिया। कथा के अंत में महाआरती का आयोजन किया गया। इस कथा के दौरान मुख्य यजमान के रूप में मंच का संचालन अजय मल्होत्रा ने करते हुए सभी आए हुए शिव भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोचर, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नत्रा, नारायण सेवा समिति से हरे कांत झा, जीवन शर्मा, वीपी सिंह, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, माया राम पांडे और सुरेंद्र भी मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शंकर महाराज की आज के कथा के विश्राम दिवस के ऊपर आप सब तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरा सप्ताह गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर शिव महापुराण का श्रवण किया। और जैसे गुरु जी कह रहे हैं, आजकल जो श्रद्धों में कथा सुनता है उसको तो जो पुण्य का फल मिलता ही मिलता है, साथ में जो हमारे पितर इस धरती लोक पर पहुंचे हुए हैं वो भी हमें शिक्षा देते हैं कि वो आपके साथ बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उनको भी पुण्य का फल मिलता है। माता जी जय श्री राम। मंच से विराजमान सारे आदरणीय पूजनीय गुरु जी और अनिल जी और इतने जिन्हें भी सेवक बैठे हैं, मैं किसी का नाम लेना भूल गया, तो बड़ी खुशी की गल है। गुरु जी का आते सारी मनोभव लग गया। अगला जो कार्यक्रम अगले साल का 2024 का वो देवी तला मंदिर के लिए होगा। जोरदार तालियां। कमेटी की सेवा करने की बड़ी खुशकिस्मती है कि गुरु जी का मूह प्रवचन निकले है, वो साढ़े सिर उठे हैं, असं हर वे याद करते रहते हैं, काफ़ी सालों तो इन्होंने जुड़े हैं मंदिर के बीच, इन्होंने वो कुछ वर्षा की है, अज भी गल्ला बोलती है उसे। सो मैं अपने वालों साढ़े प्रधानमंत्री वालों देवी दला के वालों सारे सदस्य और सेवादारों वालों बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि गुरु जी का वो साढ़े सिर उठा है। और मैं गुरु जी को आग्रह करना चाहता भी तुम उठे आओ, थानू इन्ना सारा सहयोग मिलेगा, किसी चीज की कोई कमी रहेगी। जय माता दी। नारायण सेवा समिति हर साल की तरह इस साल भी पूज्य श्री गुरु महाराज जी को बुला के जो भगवत कथा का आयोजन करते हैं, उस कथा दे विच जिथे इस समिति के प्रधान अनिल जी मेरे बड़े भाई साहब, वो आप ये गंगा दे विच बह के पवित्र होंगे है, उत्थे बहुत सारिया मेरिया मातावान भैन और मेरे वीर बजुर्गों को भी प्रभु जी का वो आशीर्वाद दिंदे हैं। सो मैं अपने वालों अपने बड़े भाई साहब श्री विजय सांतला जी, जो सबका चेयरमैन है एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अब विशेष तौर पर आना सी पर जिवें करके नहीं आ सके, पर उन्होंने वालों भी श्री गुरु महाराज के चरणों के कोट कोट प्रणाम है। सो उन्होंने वालों मैं अपनी हाजिरी लगाता हुआ मैं श्री गुरु महाराज के चरणों से अरदास करता कि तुहाडी अमृतमय निगाह और आशीर्वाद इसे तरह साढ़े जलंधर निवासियों से बसती रहे।